वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं, सवाल उठता है कि तालिबानी संस्कृति की झलक दर्शाने वाला यह वीडियो क्या भारत का है? भारत को रहने दीजिए। क्या यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश का है? इसे भी रहने दीजिए। हवा में तमंचे लहराकर दंदनादन गोलियां बरसाते ये युवक, तो सवाल बनता है कि क्या मेरठ के हैं? जवाब मिलेगा हाँ। ऐसे में यह सवाल भी उठना लाजमी है, तो फिर मेरठ का जिला व पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? वह भी तब जबकि मेरठ में कमिश्नर के साथ ही आईजी और एडीजी स्तर के पुलिस अधिकारी तक बैठते हों, यहाँ डीएम व एसएसपी की तो बात ही नहीं हो रही। अब पुलिस कप्तान की तरफ से बताया गया है कि यह वीडियो 2016 का है, यानी समाजवादी पार्टी सरकार के समय का। जिस युवक के सम्मान में तमंचे व तमाम अवैध असलाह लहराते हुए दनादन फायर किए जा रहे हैं, वह शाहिद मंजूर के शहजादे नवाजिश हैं। नारे भी सुनाई दे रहे हैं, नवाजिश भाई जिंदाबाद, शाहिद मंजूर जिंदाबाद। सपा सरकार में शाहिद मंजूर का दर्जा कैबिनेट मंत्री का रहा है। कहा जा सकता है जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और इसी डर को दिखाते हुए भाजपा वोट बटोर रही है। और बटोरे भी क्यों ना, मुद्दा तार तार होती कानून व्यवस्था का जो है। बीते दिवस पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव हुआ, तो यह वीडियो भी वायरल हो गया। इस सवाल के साथ कि अभी तो यह हाल है, आगे देखना क्या होगा। आइए देखते हैं वह वीडियो। इस खबर में फिलहाल इतना है। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।